अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कमर, आप देख रहे हैं कमर स्पेट। आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड कौन सा डालेंगे और क्या क्या सहूलियात करेंगे उनके लिए। तो दोस्तों, सॉफ्ट फूड में आप इनको चावल उबाल के, चने दालें वगैरह उबाल के इनको दे सकते हैं, या आप गंदम चने दालें वगैरह 24 घंटे भिगोएं और फिर इनको डालें। ऐसे जब इनकी ब्रीड होगी तो इनके बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। और हम इंशाल्लाह इस महीने के एंड में बॉक्स लगाएंगे इनका, फिर हम आज या कल इनको सॉफ्ट फूड भी डालेंगे। तो दोस्तों, अब आज मौसम की बात की जाए तो आज बहुत ज़्यादा धूप है, बादल भी आए हुए हैं लेकिन सूरज नहीं ढक रहे बादल। बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, बहुत सख्त धूप हुई है, देखें। देखें यहाँ वही वाला, ये चिड़िया का घोंसला है यहाँ। देखें ये वही वाला झूला है। देखें ये मेरा भाई अजान, ये झूले ले रहा है। ये देखें ये मेरी बहन मानूर है। ये देखें यहाँ भी हमने ये लगाया हुआ है वो मट्टी। और अब हमारे 5 से 6 दिन तक न्यू सरप्राइज भी आ जाएगा। देखें ये मेरा भाई है अजान। देखें माशाल्लाह, पहले हम रोज़ इनको शावर दिया करते थे, अब हमारा शावर ख़राब हो गया, अब नहीं दे रहे हम। अब हम न्यू शावर लेके आएंगे। देखें ये खाना खा रहे हैं। तो ज़्यादातर मुझे इसमें से बर्ड्स अच्छे लगते हैं, और
तो दोस्तों ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सब वर्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि जैसे कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता सकूं कि इनको बर्ड अपने बर्ड्स को डाइट में क्या दें सॉफ्ट फूड में। तो एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, सॉफ्ट फूड में आप इनको 24 घंटे के लिए चावल चने दालें वगैरह चने की उनको 24 घंटे भिगो के फिर इनको दे। ऐसे ये होगा कि इनके जब बच्चे आएंगे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। देखें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे ये अल्बाइनोज और ये एग्जीबिशन अच्छे लगते हैं। फिशर भी मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये एल्बाइनोज और एग्जीबिशन अच्छे लगते हैं मुझे। देखिए अब मौसम भी अच्छा होना शुरू हो गया, देखें उस साइड पे लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं, यहाँ एक बुलबुल बैठी हुई है, देखें कौवे उसके पीछे पड़े हुए हैं, वहाँ एक मस्जिद भी तामीर हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।